वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 वीवर्स एरंस मेंटर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द एबंडेंस फर्नेसेस इन विलेजेस। इसके पहले की क्लास में हम लोग वुड स्टील के बारे में पढ़े थे। तो जो आयरन वुड स्टील जो है वो आयरन को स्मेल्ट करके उसमें कार्बन मिला के बनाया जाता है। तो आज पढ़ेंगे उसी आयरन स्मेल्टिंग के बारे में। तो वुड स्टील जो है उसको बनाने के लिए बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक की ज़रूरत होती है, जिससे कि आयरन को रिफाइन करते हैं और बनाते हैं। तो आयरन स्मेल्टिंग जो था वो इंडिया में 19 सेंचुरी के एंड तक हर जगह पे प्रोड्यूस किया जा रहा, वो इंडिया में कॉमन चीज़ था। तो खासकर बिहार और सेंट्रल इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक घर में जो है एक स्मेल्टर देखने को मिलता था, जो कि वहाँ के लोकल डिपोजिट्स जो आयरन ओर होता था उसको लोग यूज करके बहुत सारे आयरन का टूल्स या फिर जो डेली यूज का इम्प्लीमेंट्स होता है वो सब बनाते थे। तो फर्नेसेस वो स्मेल्टिंग के लिए बनाते थे, आयरन को मेल्ट करने के लिए जो फर्नेस मतलब जो चूल्हा वो बनाते थे वो ज़्यादातर क्ले से या फिर ड्राइड ब्रिक से, मिट्टी से या फिर वो ईट होता है उससे बनता था। और जो स्मेल्टिंग का काम होता था वो ज़्यादातर मेन लोग करते थे, और जो वोमेन होते थे वो स्मेल्टर के जो नीचे फर्नेस के नीचे एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं बिलोज। तो उस बिलोज पे वोमेन लोग पंपिंग का काम करते थे, मतलब जिससे कि जो आयरन को स्मेल्ट करने के लिए आग की जरूरत होती है कोल का, वो कोल कैसे हमेशा जलता रहे उसके लिए वोमेन लोग नीचे बिलो पे बैठ के उसको पंपिंग करते रहते थे, हवा देते रहते थे। तो यहाँ पे पिक्चर दिया है, बुक में देख सकते हो उसी फर्नेस में कैसे लोग जो है काम कर रहे हैं। उसका सेकंड पिक्चर बुक में दिया है, जो कि एक विलेज है सेंट्रल इंडिया का जहाँ पे कि अगरिया लोग रहते हैं। तो अगरिया एक कम्युनिटी का नाम होता है जो लोग कि आयरन को स्मेल्ट करते हैं। तो आयरन स्मेल्टर्स कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स इज नोन एज अगरिया। तो ये जो विलेज है अगरिया का लोग उनका जो स्मेल्टिंग का काम था वो धीरे धीरे खोता गया, कहीं वो छुप सा गया। तो लोग जो थे वो स्मेल्टिंग का काम ना पा के अपना जो गांव था उसको छोड़ने लगे और अलग अलग शहरों में जाने लगे काम के तलाश में। 19 सेंचुरी के आते आते मतलब 19 सेंचुरी के लेट में जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो भी कहीं खोने लगा था, और जो ज़्यादातर जो विलेजेस था जो फर्नेसेस बनवाए गए थे वो भी डिसयूज हो गया था, उसका कोई यूज नहीं था। और जितने अमाउंट के आयरन पहले प्रोड्यूस किया जा रहा था उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा घटता गया। तो ये क्यों हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो एक पहला रीज़न जो है जिसे कि आयरन स्मेल्टिंग का काम धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया या फिर बर्बाद हो गया था, वो था फॉरेस्ट लॉ। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया फॉरेस्ट लॉ लागू किया था, जिससे कि जो लोकल लोग होते हैं अभी जो ट्राइबल लोग होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बिना फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते, या फिर लकड़ी जो है वो उनसे पूछे बिना या फिर उनके परमिशन के बिना लकड़ी नहीं ले जा सकते हैं। तो आयरन स्मेल्टिंग के लिए जो है बहुत सारे आग की ज़रूरत होती है, जो कि लकड़ी को जला के किया जाता है। तो फॉरेस्ट लॉ लागू होने के बाद जितना लकड़ी उनको चाहिए था उतना लकड़ी मिला नहीं। अगर कोई कोई चोरी छिपे जंगल में एंटर करते भी थे तो जो ऊड वो लाते थे वो बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता था। तो ऐसे छुप छुप के लकड़ी ला के जो अपने काम को कंटिन्यू करना उनको पसंद नहीं था, या फिर कितने दिन तक तो वो ऐसे छुप छुप के लकड़ी लाते रहेंगे और आप अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था वो छोड़ दिया, और कुछ लोग जो थे वो दूसरे मीन्स देखने लगे पैसे कमाने के लिए। और कुछ एरिया में जो गवर्नमेंट जो था फॉरेस्ट में लोगों को जाने के लिए भी नहीं देते थे। कुछ एरिया में गवर्नमेंट जो थे कुछ लोगों को जंगल में जाने का परमिशन तो देते थे, लेकिन उसके लिए उन लोगों को गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था। तो जितनी बार उनको अपने फर्नेस के लिए लकड़ी चाहिए होता था उतनी बार उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। तो इससे उनका जो इनकम था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया, क्योंकि उनका इनकम उतना नहीं होता था जितना उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये काम को छोड़ दिए थे। उसके बाद जो लेट 19th सेंचुरी तक जो आयरन और स्टील जो था यूज हो रहा था उसको ब्रिटिश लोग अपने कंट्री से इंपोर्ट करते थे इंडिया को, मतलब वो इंडिया को लाते थे अपने कंट्री से। तो उसी इंपोर्टेड आयरन से ही जो मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स या फिर जो अलग टूल्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो उसी आयरन से बनता था, जो कि लोकल स्मेल्टर्स जिस आयरन प्रोड्यूस करते थे उसके डिमांड को वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तो इसलिए जो लोकल स्मेल्टर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था।
उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी तक जब आया तो जो आर्टिसन जो लोग कि आयरन प्रोड्यूस करते थे और स्टील प्रोड्यूस करते थे वो लोग और भी बहुत सारे नए नए कंपटीशन जो था वो फेस करने लगे थे, तो इसलिए उन कंपटीशन के साथ वो टिक नहीं पाए, जिसकी वजह से आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था इंडिया में वो डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, तो कैसे इंडिया में आयरन और स्टील फैक्ट्री जो था वो एमर्ज हुआ था। तो 1904 में अप्रैल के महीने में चार्ल्स वेल जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है वो और दुराबजी टाटा जो कि जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे हैं वो दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ एरिया में ट्रैवल कर रहे थे ताकि उनको जो है आयरन और डिपॉजिट मिल सके। तो आयरन ओर को खोजने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के चारों ओर सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे महीने ऐसे ही स्पेंड कर दिए आयरन ओर की तलाश में, लेकिन उनको कोई भी अच्छा आयरन ओर नहीं मिला क्योंकि अच्छा आयरन ओर जो है वो किसी भी आयरन कंपनी को चाहिए होता है। तो जो जमशेद जी टाटा थे वो इंडिया पे एक बहुत बड़े आयरन एंड स्टील कंपनी बनवाना चाहते थे, तो उसके लिए उनको एक सबसे अच्छा जगह चाहिए था जिसमें कि आयरन ओर डिपॉजिट होके रहता है। तो एक दिन ऐसे बहुत सारे महीने घूमने के बाद जब चार्ल्स वेल्ड और दोराब जी ऐसे घूम रहे थे जंगलों में, तो उनको एक छोटे से गांव में वो जाके पहुँचे जहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने सर पे बास्केट पकड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारे आयरन ओर उन्होंने रखा हुआ है। तो जब उन्होंने पास जाके देखा तो वो आयरन ओर सबसे अच्छे क्वालिटी का था, तो उन्होंने पूछा कि ये आयरन ओर उन्होंने कहाँ से लाया, तो उन्होंने एक हिल की तरफ पॉइंट किया जो कि बहुत डिस्टेंस में था और बोला कि हम लोग वहाँ से लाते हैं। और जो ग्रुप ऑफ पीपल ये आयरन ओर लेके जाते हैं उनको अघरिया बोलते हैं। तो जब दुर्लभ जी और चार्ल्स वेल उस हिल तक पहुँचे बहुत सारे फॉरेस्ट और डिस्टेंस कवर करने के बाद, उसके बाद जब वो हिल टॉप पे पहुँचे तो जो जियोलॉजिस्ट उनके साथ थे चार्ल्स वेल, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो है वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर में से एक है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जगह जो है वो सूटेबल है उनके कंपनी सेटअप करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम था वो ये कि उसमें पानी नहीं था, और वो किसी भी एरिया में जो है पानी नेसेसरी होता है कंपनी सेटअप करने के लिए, क्योंकि कंपनी को रन करने के लिए फैक्ट्री रन करने के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी चीज़ होता है। तो उन्होंने और एक साइट की तलाश की जहाँ पे कि आयरन ओर भी रहे और अच्छा उनको सुइटेबल जगह भी मिले और पानी की अवेलेबिलिटी भी रहे। तो उनको ऐसी जगह सर्च करने के लिए जो अगरिया लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और उसके बाद एक और जगह उनको मिला जो कि बाद में जो आयरन ओर डिपोजिट्स था वहाँ से रॉ मटेरियल्स भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया गया। तो उसके कुछ लेटर कुछ ईयर जब गुजर गया उसके बाद बहुत एक जो उस एरिया का कुछ जंगल जो था उसका फॉरेस्ट क्लियर करवा दिया गया, जो कि सुवर्णरेखा के पास जो रिवर है सुवर्णरेखा उसके पास वाले फॉरेस्ट का जो एरिया है क्लियर किया गया ताकि वहाँ पे जो फैक्ट्री है वो सेटअप किया जाए, और इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसका नाम रखा गया जमशेदपुर जो कि जमशेद जी टाटा के नाम से रखा गया था। तो यहाँ पे पानी भी पास में था और आयरन और डिपॉजिट्स भी अच्छे से था। तो उसमें जो कंपनी पहले सेटअप किया गया था उसका नाम था द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और उसको शॉर्ट में बोला गया टिस्को, जो कि 1912 में सेटअप हुआ और वहाँ पे आयरन भी प्रोड्यूस होना शुरू कर हो गया था। तो टिस्को जिस टाइम सेटअप हुआ तो उस समय बहुत ही अच्छा टाइम था, उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था अपने अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो इंडिया उस समय जो था ब्रिटेन से आयरन इंपोर्ट कर रहा था अपनी सारी चीज़ों के लिए, तो उस समय इंडिया में रेलवे भी एक्सपेंड हो रहा था और रेलवे के लिए भी आयरन जो है वो ज़रूरी होता है। तो जो ब्रिटेन के ब्रिटिश के जो लोग जो एक्सपर्ट इंडियन रेलवे में काम कर रहे थे, इंडिया का जो रेलवे ट्रैक वो बनवा रहे थे, तो उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि इंडिया भी जो है वो अच्छे क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस कर सकता है। तो उन्होंने इसलिए ब्रिटेन से ही आयरन को इंपोर्ट करना सही सोचा। तो उस समय टिस्को को जो था ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना नहीं पड़ा था क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू हो गया था, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन से जो आयरन या फिर जो स्टील इंडिया को लाया जा रहा था उसके डिमांड्स जो थे वो धीरे धीरे घटते गए, क्योंकि ब्रिटेन जो था उसके आयरन और स्टील वो वार की वजह से इंडिया नहीं ला पा रहा था। तो इसलिए ब्रिटिश को जो था आयरन और स्टील प्रोड्यूस के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ा।
या फिर जो इंडियन रेलवेज थे, जितने भी स्टील प्रोड्यूसर काम होता था, या फिर जो रेलवे ट्रैक बनवाने का काम होता था, या फिर जो रेलवे के डिब्बे बनाने का जो काम होता था, वो सभी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो टिस्को के ऊपर डिपेंडेंट होने लगा था। और जैसे 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 वार चलने लगा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो बहुत सालों तक वो चलता रहा, तो इसकी वजह से जो टिस्को को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वार के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, या फिर जो कैरिजेस, जो वार के लिए जो जो युद्ध विमान यूज होता था, या फिर जितने भी कैरिजेस, व्हील्स, वो सभी के प्रोडक्शन के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो टिस्को के ऊपर ही डिपेंड करने लगा था। और 1919 आते जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो अपना 90% स्टील जो भी खरीद रहा था वो मेनू टिस्को से ही वो खरीद रहा था। तो इसी की वजह से टिस्को जो था वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा, डेवलप करता गया, और वो एक बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री के हिसाब से ब्रिटिश एम्पायर में अपना नाम बनाया था। तो इन द केस ऑफ आयरन स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑक्योर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज। तो जैसे कि कॉटन के टाइम में, कॉटन इंडस्ट्री के टाइम में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था जैसे कि टिस्को के टाइम में मिला था। तो टिस्को इसलिए इम्प्रूव कर पाया जिस ताकि जब ब्रिटेन से गुड्स आना बंद हो गया था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसलिए ब्रिटेन से जो स्टील और आयरन इंडिया आ रहा था वो बंद हो गया, तो इसी वजह से टिस्को जो था वो इम्प्रूव कर पाया या फिर वो डेवलप कर पाया। लेकिन कॉटन के टाइम में, कॉटन इंडस्ट्री के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए कॉटन की इंडस्ट्री उतने ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए थे।